गुड मॉर्निंग क्लास सेकेंड। तो बच्चों, सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश वन। तो इंग्लिश वन की बुक निकाल लीजिए और इसमें देख लीजिए आज हम क्या कर रहे हैं। तो इसमें हमारा जो हाफ ईयरली तक का सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है और आज से हम करने जा रहे हैं रिवीजन। तो हमारे हाफ ईयरली में जो लेसन है वो है 4 to 6। तो हम रिवाइज करेंगे 4 से लेकर 6 तक। तो मैं आज आपको रिवीजन में क्वेश्चंस करवा रही हूँ, इनको जंबल करके, इनको मिक्स करके जो मैं क्वेश्चंस करवा रही हूँ आपको, 4, 5, 6 तीनों ही लेसन से मैंने एक एक दो दो क्वेश्चंस लिए हैं, तो उन्हीं को मैं करवा रही हूँ। उसी तरीके से आपके एग्ज़ाम में भी आएंगे, तो आप इन क्वेश्चंस को कॉपी में करिए और साथ ही साथ अब आप जो भी आपको रिवीजन में क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं उनको लर्न करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसी पैटर्न पे ही हाफ ईयरली एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है, तो देख लीजिए आप। सबसे पहला काम है आपका डेट डालने का। डेट है 21 सितंबर 2020। रिवीजन टाइम ऊपर से डाल दीजिए, रिवाइज फ्रॉम लेसन 4, 5 एंड 6। 4, 5 और 6 लेसन से हम क्या कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। तो कर रहे हैं हम आंसर द फॉलोइंग। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए। जो जो आपको करवाया जाए उसको आप लर्न करना स्टार्ट करें। हु वॉज जम्बो, जम्बो कौन था, लेसन पढ़ा था आपने, तो उसमें जम्बो कौन था, तो आंसर देखिए। जम्बो वॉज एन एलिफेंट, तो जम्बो कौन था, हाथी था, एलिफेंट था। सेकेंड क्वेश्चन देख लीजिए। व्हाट वॉज द नेम ऑफ द मंकी, जो स्टोरी में मंकी था उसका नाम क्या था, तो आपने ये याद करना है इसी तरीके से जैसे आपको आंसर करवाए जा रहे हैं, उसी पैटर्न पे आपने याद भी करना है। तो देखिए इसका आंसर, द नेम ऑफ द मंकी वॉज चीकू, तो मंकी का नाम क्या था, चीकू। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द कलर ऑफ द स्काई, स्काई का कलर क्या होता है, व्हाट इज़ द कलर ऑफ द स्काई, तो स्काई का कलर क्या है, द कलर ऑफ द स्काई इज़ ब्लू, आसमान का रंग है नीला, द कलर ऑफ द स्काई इज़ ब्लू, इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। व्हाट डिड सोनू लव, सोनू को क्या पसंद था या सोनू क्या करता था, हर दिन हमेशा वो क्या करना पसंद करता था, तो आंसर देखिए। ही लव टू प्ले ट्रिक्स ऑन अदर्स एंड मेकिंग फन ऑफ देम, उसे पसंद था लोगों के साथ ट्रिक खेलना, लोगों के साथ कुछ ना कुछ वो ट्रिक खेलता था और फिर लोगों का मजाक बनाता था, तो उसको पसंद था। ही लव टू प्ले ट्रिक्स ऑन अदर्स एंड मेकिंग फन ऑफ देम, आपने इस तरीके से इसको लर्न करना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। हाउ ओल्ड सोनू वॉज, सोनू कितने साल का है, तो सोनू वॉज 10 years old, सोनू कितने साल का है, 10 years का है सोनू। क्वेश्चन नंबर 6 है, वेयर डिड मिक्की गो वन डे, मिक्की एक दिन कहाँ गया था, आपको अगर याद होगा लेसन तो देखिए, मिक्की वेंट टू मीट हिज कज़न स्क्वीकी वन डे, मिक्की अपने कज़न को मिलने गया था, स्क्वीकी को, एक दिन अपने कज़न स्क्वीकी को मिलने गया था। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। What did Mickey offer Squeaky? Mickey ने Squeaky को क्या ऑफ़र किया जब Squeaky Mickey के घर आया, तो क्या दिया उसने उसे खाने के लिए, देखिए। Mickey offered Squeaky a huge feast of cheese, cake, fruit and pudding. तो Mickey ने क्या क्या ऑफ़र किया, Mickey ने ऑफ़र किया, दावत दी चीज़ की, केक की, फ्रूट की और पुडिंग की उसे दावत दी। तो ये क्वेश्चन से आपने लर्न करने हैं और लिखना है और अब आप बिल्कुल हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए तैयार हो जाएं और इनको आप कॉपी में लिखें भी और याद भी करें। ठीक है, और इसी तरीके से अब हम हर दिन क्या करेंगे, रिवाइज़ करेंगे। आज मैं आपको ये क्वेश्चन करवा रही हूँ, नेक्स्ट डे इसी में से ही आपको क्या दिया जाएगा, टेस्ट दिया जाएगा। ठीक है, तो आज आप इन क्वेश्चंस को कॉपी में करें, साथ ही साथ आप ये 7 क्वेश्चंस लर्न करें और नेक्स्ट डे मैं आपका क्या लूँगी, टेस्ट लूँगी। तो अब हर दिन इसी तरीके से आपके साथ ये टेस्ट और रिवाइज किया जाएगा। ओके,